करनाल केंद्री के गांव बयाना में मनरेगा का काम करते वक्त एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें दो महिला मजदूरों की मौत हो गई। घटना उस समय घटी जब मिट्टी की खुदाई का काम चल रहा था। मिट्टी का टीला गिरने से मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए, जिसमें दो महिला मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 से 5 मजदूर घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि मनरेगा के तहत मिट्टी की खुदाई करके पंचायत भवन में डाली जा रही थी। ये मिट्टी का टीला आज मनरेगा का काम कर रहे मजदूरों के लिए काल बनकर आया और दो जिंदगियां अपने आगोश में ले गया। दरअसल करनाल के इंद्री के बयाना में 50 से 55 मजदूर मिट्टी की खुदाई का काम कर रहे थे। अचानक से मिट्टी का टीला गिर जाता है और कई मजदूर मिट्टी के नीचे दब जाते हैं। अफरा तफरी में गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंचते हैं और बाहर खड़े मजदूरों की मदद से मिट्टी के नीचे दबे मजदूरों को बाहर निकाला जाता है। मौके पर एक महिला मजदूर दम तोड़ देती है, जबकि घायल मजदूरों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया जाता है। वहीं गंभीर रूप से एक और महिला मजदूर को करनाल ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए भेजा जाता है, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इंद्र से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। यहाँ पर मनरेगा का काम चल रहा था जी, बरातगर में गांव बयाना में इसका मट्टी मतलब बुरा हो रहा था। तो जी इसमें 30 से 35 जने यहाँ लग रहे थे जो काम कर रहे थे। तो यहाँ पे 5 जने की माले दबे हैं यहाँ, तो उसमें 3 घायल हो गए, 2 की मौके पे मौत हो गई। जिसका पति का नाम महबूब है, उसकी वाइफ है जो यहाँ पे काम कर रही थी, सुरैया नाम था उसका, उसकी मौके पे डेथ हो गई। और नगले की थी, केशव समाज से संबंध रखती थी, एक उसकी मौके पे डेथ हो गई। तो ये बताया जा रहा है जी, यहाँ ये मौके पे डांग गिर गई थी जी। जी तो क्या, कहाँ जा रही थी मिट्टी? यहाँ मिट्टी बरात कर गाँव बयाना में उसका भराव चल रहा है जी। पंचायत उठा रही, पंचायत उठा रही थी। अच्छा, तो कैसे फिर निकाला गया उनको? उसको जी मतलब जो नरेगा के जो बंदे थे काम कर रहे थे दिहाड़ीदार, तो उन्होंने निकाल लिया अपने भी कशियों के साथ, मट्टी उठा के उन्होंने डाल दी। अच्छा जी, एम्बुलेंस वगैरह आई थी? एम्बुलेंस आई थी जी, 5-6 एम्बुलेंस आई थी, उनमें उनको ले गया। आपका नाम? मेरा नाम आसिफ अली है जी। वहाँ पे ऐसा हुआ सर, डांग मिट्टी की डांग खींचने के कारण 5 मजदूर उसके नीचे दब गए थे, उनके मौके पर निकाल कर उनको इलाज के लिए इंद्री रेफर कर दिया गया था, और जिसमें इलाज के दौरान 2 की डेथ होगी और 3 की हालत ठीक है। तो 3 का इलाज कर रहा? हाँ जी, एक एडमिट है सर करनाल में, और 2 अपने घर है, मतलब गांव में हॉस्पिटल है, वहाँ दवाई बूटी ले रहे हैं। और कितने लोग मजदूर लगे हुए? वहाँ 50-60 मजदूर लगे हुए। तो क्या कार्य चल रहा है वहाँ मनरेगा के तहत? बरातघर में मिट्टी बर्त का कार्य चल रहा है। है यहाँ चौकी में सूचना प्राप्त हुई थी भट्टा कॉलोनी के पास से, मनरेगा का काम चला हुआ है भाई, वहाँ ढा पड़ के और उसमें आदमी दबे हुए हैं। हम तुरंत मौके पर आए हैं, और मौके पर आने से, मारे आने से पहले जिसका चोट लगी थी उनको एम्बुलेंस पहले से ऑलरेडी ले जा चुकी है। अब यहाँ मौके पर कोई आदमी पूर्णतः उनके नाम बताने के लिए तैयार नहीं है। हॉस्पिटल से जो ही सूचना प्राप्त होगी, जैसे ही बयान देंगे, कार्रवाई मलमलाई जाएगी। को चोट लगने पता लग गया है, अभी हॉस्पिटल से जो सूचना प्राप्त होगी उसके बाद जो कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। क्या मामला निकल गया है सर इंद्री से? सुनने में आया कि वहाँ पे एक डेथ वहाँ पे हुई है, एक पेशेंट यहाँ पे आए थे जो वो भी सीरियस थे, और थोड़ी देर हमने रिससिटेट करने की कोशिश की थी, बट शी कुड नॉट बी रिवाइव एंड शी हैड आल्सो एक्सपायर्ड, सो 2 डेथ्स आर रिपोर्टेड टिल नाउ। तो सर मनरेगा का काम चल रहा था? या यही सुनने में आया है, मनरेगा का काम चल रहा है। तो कोई और घायल पेशेंट भी यहाँ आया है सर? कोई घायल पेशेंट नहीं आया, ये 2 ही थे। आपका नाम सर? डॉक्टर कैलाश है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.